फिन WWE के अंदर वापस आ रहा है ये बात तो हम सबको पता, पर वो कब आने वाला है इसका डेट भी निकलकर अब सामने आ चुका है। साथ ही साथ WWE अपना न्यू चैंपियनशिप बेल्ट बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले, बहुत बड़ा न्यूज निकलकर सामने आया है, तो आप जरूर देखिएगा इसे। और हमारे ट्रैवल चिप का न्यू अपोनेंट भी अब निकलकर सामने आ चुका है, वो कौन है आज की वीडियो में जानेंगे। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं एक एक कर सारा न्यूज कवर करता हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बार का मंडे नाइट रॉ का व्यूअरशिप के बारे में। तो इस बार का मंडे नाइट रॉ का व्यूअरशिप अगेन भाई बहुत ज्यादा बुरी आई है। तो अगर इस बार का मंडे नाइट रॉ का व्यूअरशिप का बात करें तो हुआ ये 1.647 मिलियन, और अगर हम पिछले बार का मंडे नाइट रॉ का व्यूअरशिप का बात करें तो हुआ आई थी 1.6 मिलियन के करीब। तो एक्चुअल में इतना कम हमेशा व्यूअरशिप WWE का नहीं रहने वाला, क्योंकि ये व्यूअरशिप कम रहा NFL के फुटबॉल मैच। तो बस कुछ दिन वेट कर लो, फिर से WWE का व्यूअरशिप 2 मिलियन के अप्रोक्स ऊपर जाने लगा। हमारा अगला न्यूज निकल कर आता है रेसल टिक्स के तरफ। तो नेक्स्ट जो मंडे नाइट रॉ होने वाला, वहां WWE अप्रोक्स अपना 90% टिकट सोल्ड आउट कर दिया। आप यहां देख सकते हो टोटल कैपेसिटी है वो 6586, जिसमें से सिर्फ 968 टिकट ही अभी अवेलेबल है, बाकी सारा टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है। तो देख लो यार, टिकट सेल में तो WWE बहुत आगे जा रहे हैं, उनका जितना भी शो हो रहा है सब सोल्ड आउट फुल जा रहा है। और वहीं अगर नेक्स्ट स्मैकडाउन का टिकट सेल का बात करें तो 95% टिकट सोल्ड आउट हो चुका है। आप यहां देख भी सकते हो जो टोटल कैपेसिटी है स्मैकडाउन का वो है 9033, और उसमें से बस 300 टिकट अभी अवेलेबल है। तो हां, अभी WWE शो के ऊपर व्यूअरशिप नहीं ला रहे, पर टिकट के मामले में सबसे आगे चल रहे हैं। हमारा अगला अपडेट जुड़ा है एक्सट्रीम रूल के अगले मंडे नाइट रॉ के शो के बारे में। मैंने ऑलरेडी आपको कुछ दिन पहले अपडेट दे दिया था, एक्सट्रीम रूल के बाद वाला जो मंडे नाइट रॉ होने वाला वहां DX के सारे मेंबर आने वाले, पर अब जो रिपोर्ट निकल कर सामने आ रहा है वहां DX के मेंबर ही नहीं और बहुत सारे लेजेंड आने वाले हैं उस शो के ऊपर। तो सबसे पहला नाम आ रहा है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। अब देखो WWE ऑफिशियली एडवर्टाइज नहीं किया कि यहां ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं इस शो के ऊपर, पर ऐसा इंटरनल सोर्सेस का मानना है कि हां आने वाले। साथ ही साथ एक और रेसलर का चांसेस बहुत ज्यादा इस शो के ऊपर आने का, जो कि है गोल्डबर्ग। जी हां, गोल्डबर्ग का भी चांसेस है इस शो के ऊपर आने का, ऐसा स्पॉइलर आ रहा है। पर कमाल की बात यह है कि ब्लडलाइन के सारे मेंबर ऑफिशियली कंफर्म है WWE के द्वारा कि इस शो के ऊपर आएंगे। तो भाई एक्सट्रीम रूल के बाद वाला जो मंडे नाइट रॉ का शो होने वाला, वहां सारे के सारे मेंबर ब्लडलाइन के आने वाले, और वहां वो क्यों जाएंगे, वो क्या करने वाले, इसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा अगला न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जुड़ा है WWE चैंपियनशिप बेल्ट से रिलेटेड। तो अब रिपोर्ट ये निकल कर सामने आ रही है कि WWE बहुत ही जल्द हमें अपना चैंपियनशिप बेल्ट चेंज करते हुए दिखेगा, और वो कोई एक चैंपियनशिप बेल्ट नहीं चेंज करते हुए दिखेगा, वो तीन चैंपियनशिप बेल्ट अपना चेंज करते हुए दिखेगा। तो सबसे पहला जो चैंपियनशिप बेल्ट है वो है WWE मेन टाइटल चैंपियनशिप, उसके अलावा भी दो चैंपियनशिप बेल्ट हमें और चेंज होते हुए दिखेगा, जो कि रॉ टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट और स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप। तो इससे रिलेटेड जो गुड न्यूज ये निकल कर सामने आया कि ऑलरेडी WWE के पास ये डिलीवर हो चुका है सारा चैंपियनशिप बेल्ट का डिजाइन। जी हां, बेल्ट बनकर ऑलरेडी WWE के पास ये सारा चीज डिजाइन होकर चला भी गया है। अब ये चैंपियनशिप हमें कब WWE के अंदर देखने को मिलेगा, तो शायद सीजन प्रीमियर के अंदर देखने को मिलेगा बहुत ही। और इससे रिलेटेड ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर कुछ दिन पहले फोटोज भी आई थी, पर वो सही है कि नहीं इसको कंफर्म करना थोड़ा मुश्किल है। पर हां, ये बात कंफर्म है कि रॉ और स्मैकडाउन का जो न्यू टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट आने वाला, उसके बीच में एक WWE का बड़ा सा लोगो देखने को मिलेगा। तो बस भाई कुछ ही दिन का वेट करो, 1 से 2 हफ्ता का हमें WWE के अंदर न्यू चैंपियनशिप बेल्ट भी देखने को मिलेगा बहुत। हमारा अगला अपडेट जुड़ा है एलिस्टर ब्लैक से रिलेटेड। तो मैंने आपको ऑलरेडी कुछ दिन पहले यह बताया था कि एलिस्टर ब्लैक ऑफिशियली AEW कंपनी से बाहर जा रहे हैं, AEW कंपनी उन्होंने खुद से रिलीज दे दिया, और 3 महीना के बाद वो WWE के अंदर भी आ सकते हैं। पर बहुत सैडली ये न्यूज सही नहीं था पूरी तरह से, एलिस्टर ब्लैक अभी भी AEW कंपनी के साथ। एलिस्टर ब्लैक ने हाल ही में लाइव आकर इस बात को कंफर्म किया कि अभी वो AEW कंपनी के ही साथ, जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तो फिर से वापस वो AEW कंपनी के ही अंदर जाने वाले, कोई और प्रमोशन के अंदर नहीं जाने वाले। बस यही एक अपडेट था एलिस्टर ब्लैक से रिलेटेड। जो लोग WWE के अंदर अब देखना चाहते थे उनको अभी उनको बहुत ज्यादा लंबा वेट करना होगा। तो हमारा अगला अपडेट जुड़ा हुआ है द फिंड ब्रे वाइट से रिलेटेड। देखो इस न्यूज के बारे में 100% मैं कंफर्म नहीं हूं, पर पहली बार डेट निकल कर सामने आया कि आखिर कब ब्रे वाइट आने वाला है WWE के अंदर। तो ये जो डेट निकल कर आया है ये है 13 सितंबर, जहां उस दिन स्मैकडाउन का शो होगा, और वहां प्रोबेबली हमें 13 सितंबर के अंदर हमें ब्रे वाइट देखने को मिलेगा WWE के अंदर। तो भाई देखो ब्रे वाइट के रिटर्न को रिलेटेड इतना ज्यादा रूमर सोशल मीडिया पे आ रहा है, इसके बारे में कोई भी कंफर्म रिपोर्ट मैं बता ही नहीं सकता। तो भाई देख लो, अगर 13 सितंबर को अगर ब्रे वाइट आने वाले WWE के अंदर तो शायद वो आ भी जाएंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक जुड़ा हुआ है हमारे ट्रैवल चिप रोमन रेंज से रिलेटेड। तो हमें ऑलरेडी पता है कि एक्सट्रीम रूल के अंदर रोमन रेंज कोई भी कम्पीट नहीं करने वाले, वो सीधे कम्पीट करेंगे क्रॉन ज्वेल के अंदर। तो क्रॉन ज्वेल के बाद रोमन रेंज का कौन अपोनेंट होने वाला, इसके रिलेटेड कंफर्म रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुका है। तो अभी न्यूज कंफर्म ही मानो कि रोमन रेंज का नेक्स्ट अपोनेंट होने वाला है क्रॉन ज्वेल के बाद, वो है AJ स्टाइल्स। मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था कि ये दोनों लाइव इवेंट के अंदर कम्पीट करने वाले, ये चीज आपने देखा कि हुआ भी, और फाइनली अब WWE इनका मेन रोस्टर के ऊपर इनका लाने वाला है। और हाँ, सबसे बड़ा रिपोर्ट ये निकलकर सामने आ रहा है कि शायद WWE इनका मैच एक प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर बुक, मतलब हमें WWE के अंदर 5 साल बाद फिर से रोमन रेंज वर्सेस AJ स्टाइल्स का एक प्रॉपर फ्यूड देखने को मिलेगा WWE के अंदर। और आपको पता है AJ स्टाइल्स उन रेसलर में से एक है WWE के जो कि कभी भी नहीं लाइफ टाइम रोमन रेंज को अभी तक हरा पाए। देखो बात बहुत सिंपल है, जब तक रेसलमेनिया नहीं आ जाता रोमन रेंज के छोटे मोटे अपोनेंट सामने आते रहे। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं AJ स्टाइल्स को छोटा मोटा अपोनेंट क्यों बोला, तो एक्चुअल में छोटा मोटा ही है रोमन रेंज के सामने, क्योंकि अब रोमन रेंज उस लेवल के रेसलर हो चुके हैं जिसको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और सही में मुझे पर्सनली अभी ये तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि रेसलमेनिया से पहले रोमन रेंज अब हारने वाले अपना चैंपियनशिप बेल्ट। और हां, जो एक्सट्रीम रूल के बाद वाला जो मंडे नाइट रॉ का शो होने वाला, वहां रोमन रेंज ऑलरेडी एडवर्टाइज है, वहां शायद रोमन रेंज और AJ स्टाइल्स का हमें फ्यूड देखने को मिलेगा। चलिए एक्सट्रीम रूल के अंदर जितने भी मैचेस होने वाला है मैं आपको सबका रिजल्ट बता देता हूं। सबसे पहला जो मैच होगा वो है AJ स्टाइल्स वर्सेस फिन बैलर का, जो कि आई क्विट मैच। तो इस मैच के अंदर 110%
मैच जीतने वाला है, चाहे फिन बैलर की टीम कितना भी इंटरफेरेंस कर ले इस मैच के। हमारा जो अगला मैच होने वाला है बियांका बेलेयर वर्सेस बैकी लिंच का मैच वुमेन्स चैंपियनशिप बेल्ट के। तो देखो इस मैच के अंदर हमें शायद टाइटल चेंज होते हुए दिख सकता है, क्योंकि करेंट इस मैच को जीतने के लिए करेंट फेवरेट बेली है। शायद हमें इस मैच के अंदर ये देखने को मिलेगा कि डैमेज कंट्रोल के इंटरफेरेंस से शायद अपना चैंपियनशिप बेल्ट हार जाए यहां बियांका। हमारा जो अगला मैच होने वाला जो कि सबसे बड़ा मैच होने वाला ड्रू मैकइंटायर वर्सेस कैरियन क्रॉस के बीच। तो इस मैच का बैटिंग ऑर्डर करेंट नहीं निकलकर सामने कंफर्म आया, पर शायद ड्रू मैकइंटायर जीतने वाले इस मैच के अंदर। हमारा जो अगला मैच होने वाला है सेथ रॉलिंस वर्सेस रीडल का मैच, और इस मैच का बैटिंग ऑर्डर बड़ा कमाल का निकलकर सामने आया। इस मैच के अंदर करेंट फेवरेट जीतने के लिए रीडल। जी हां, पहले सेथ रॉलिंस रीडल को हराए, अब रीडल हराने वाले सेथ रॉलिंस के। और फाइनली बहुत दिन बाद हमें रीडल और सेथ रॉलिंस का स्टोरी लाइन भी खत्म होते हुए दिखेगा। हमारा जो लास्ट मैच होने वाला है रोंडा रॉजीज वर्सेस ली मॉर्गन के बीच, और इस मैच के अंदर भी अगेन टाइटल चेंज होने का बहुत ज्यादा चांसेस बताया जा रहा है, क्योंकि करेंट इस मैच को फेवरेट जीतने के लिए रोंडा रॉजी। अब देखो अभी ये फर्स्ट बैटिंग ऑर्डर निकलकर सामने आया, अभी और भी बैटिंग ऑर्डर में चेंज हो सकता है। तो बस मेरे चैनल पे बने रहना, मैं हर एक चीज का आपको अपडेट देते रहूंगा। और हां, अब आपको सुबह शाम रोज अपडेट वाला वीडियो आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल के ऊपर रोज। तो जो लोग नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया चैनल से, बहुत रिक्वेस्ट है आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल। और कल जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था, अगर उस वीडियो को आप लोग अभी तक नहीं देखो तो इसके बाद जाकर सीधे उस वीडियो के अंदर अपना पूरा जर्नी बताया, कैसे मैंने 1 सब्सक्राइबर से लेकर 4 मंथ के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट किया। हां सब लोग सब्सक्राइब कर दो यार, शाम को भी एक लॉन्ग वीडियो आने वाला है।